नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको 5 मिनटों के अंदर अंदर खुजली को किस तरह से भगा सकते हैं इसके बारे में बताऊंगी। दोस्तों खुजली होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है और सबसे बुरी बात ये होती है कि ये आपको बहुत ही एम्बेरस फील करवा सकती है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और आपको खुजली आ जाए तो देखने में भी बहुत ही गंदा लगता है। इसलिए दोस्तों खुजली का इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों खुजली होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने शरीर की सही से सफाई नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, या फिर आप एंटीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं और जिसकी वजह से आपको खुजली हो रही है। तो इन सारे कारणों के वजह से भी आपको खुजली हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको 5 मिनटों के अंदर अंदर खुजली को भगाने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय बताऊंगी। पर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों सबसे पहला उपाय मैं आपको बताती हूँ खुजली को भगाने के लिए। एप्पल साइड विनेगर बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ के वजह से जितनी भी खुजली के कीटाणु होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आपको कॉटन की हेल्प से एप्पल साइड विनेगर को खुजली वाली जगह पर लगाना है। ऐसा करने से आपकी खुजली तुरंत ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको दूसरा बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका बताती हूँ जिसके लिए आप तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, साथ ही साथ आप नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नींबू में विटामिन सी होता है। आपको तुलसी के रस को ले लेना है 2 चम्मच और 2 चम्मच नींबू के रस को ले लेना है और इसे आपको अपने शरीर पर जहाँ पर भी आपको खुजली हो रही है वहाँ पर लगा लेना है। ऐसा करने से आपके शरीर की जो खुजली है वो 5 मिनटों में ही ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको बहुत ही यूज़फुल तरीका बताती हूँ दोस्तों, जिसके लिए आपको चाहिए नारियल का तेल। दोस्तों नारियल का तेल एक ऑर्गेनिक तेल होता है और इसके अंदर बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ड्राई स्किन को रिलीफ देता है और ड्राई स्किन की जितनी भी ड्राइनेस है उसे ख़त्म करता है। सेंसिटिव स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है कोकोनट ऑयल, इसलिए आप रोज़ाना शरीर पर थोड़ी सी बूंदें कोकोनट ऑयल की लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी आपके शरीर पर खुजली नहीं होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से तरीके जिनकी हेल्प से आप 5 से 10 मिनटों में आपके शरीर की खुजली को ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों धन्यवाद।